सबसे पहले हम दो आलू लेंगे जो क्रश करेंगे, उसके बाद एक बॉल लेंगे, और इसमें सामग्री है जो हरी मिर्च है, और सारे सामान कच्चे होने चाहिए। हल्दी है, गरम पानी है, लाल मिर्च है, अजवाइन मंगरेला है, अदरक है, और एक नींबू होनी चाहिए और लहसुन। तो चलिए हम सबसे पहले एक बॉल लेते हैं जिसमें हम जो भी क्रश किए आलू उस आलू को डालेंगे। उसके बाद इसमें हम जितने भी कच्चे हैं मसाले, जैसे अदरक हो गई, अदरक डालेंगे। लहसुन डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, हाफ स्पून अजवाइन और मंगरेल डालेंगे जिससे बहुत बढ़िया टेस्ट आती है, इसे आप जरूर डालें। थोड़ी सी जितना आप तीखा खाएंगे उतने लाल मिर्च डालें, हल्की हल्दी डालें, और तेल जब भी डालें आप कच्चे तेल डालें जिससे इसे स्वाद बढ़िया आते हैं, पक्के तेल ना डालें। और इसको मिलाने के लिए कभी भी गर्म पानी डालें, ज़्यादा गर्म ना हो, जितना इतना ही डालें जिससे आप इसे मिक्स कर सकते हैं। एक नींबू डालें जो आप एक चाय के छन्ने में, जो कि ताकि ये सारे जितने भी इसके बीज हैं ये ऊपर ही रह जाए। फिर इसको हटा लें और इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि सारे जितने भी सामग्री आप डाले हैं सारे उसको अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसमें आप नमक डालें स्वाद के अनुसार। अब आपकी चटनी बन के तैयार हो गई, और इसे जब भी आपको खाना हो इससे एक दिन पहले बनाएं। अगर आपको सुबह खाना है तो शाम को बनाएं, और शाम को खाना है तो सुबह बनाएं। अगर धूप है तो उसको थोड़ा सा धूप में भी दिखा दें जिससे आपकी अच्छी से चटनी पक जाएगी और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगा।